तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल कैसे करें, है ना। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐप जो है पहले से ही यहाँ पर आपके फ़ोन में दिया होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको नीचे सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सर्च पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा सर्च ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम CHR। तो यहाँ पर गूगल क्रोम आ गया, चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है। तो आपको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अनइंस्टॉल पर कर देना है क्लिक। अनइंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनइंस्टॉल, आपको यहाँ पर फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर थोड़ा देर प्रोसेस होगा, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर अनइंस्टॉल हो चुका है ना। तो यहाँ से चलिए हम बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो ऐप जो है अनइंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐप जो है अभी अनइंस्टॉल नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पर एक बार इसे डिसेबल करना होगा, तभी आपके फ़ोन से यहाँ से हटेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा देर दबाए रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिसेबल। अगर आप यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन से जो है गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चले जाना है बैक। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गूगल क्रोम ब्राउजर है यहाँ से हट चुका है, यानी कि अनइंस्टॉल हो चुका है ना। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।